वाला मार्टिन एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनको उनने जो बयान दिया वो उनके जो शारीरिक बनावट और उनकी मानसिक हिसाब से वो बयान उनके लायक नहीं था, उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक जिम्मेदार आईएएस अधिकारी हैं। उनको हाँ झांकियों में लाउड इसमें डीजे जरूर बजते हैं, लेकिन वो एक दिन दो दिन भाई, जैसे कि दुर्गा जी की झांकी निकलती हैं तो दो दिन बजेंगे, गणेश जी की निकलती हैं तो उस दिन बजेगा, या कोई जिस दिन मुहर्रम का जुलूस निकलता है उस दिन बजेगा। अब हम कहें कि अब 24 घंटे बज रहे हैं तो वो तो गलत है। हाँ मंदिरों में अगर उन्होंने ये कहा है कि मंदिरों में लाउड स्पीकर से हमें दिक्कत होती है, तो भैया मंदिरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर कुछ कुछ समय के लिए बजाए जाते हैं, चाहे मंदिर में बजे चाहे मस्जिद में बजे, वो दिन भर कोई नहीं बजाता, न मस्जिद वाले बजाते न मंदिर वाले बजाते, वो सीमित समय के लिए बजाते हैं, जैसे सुबह आधा घंटा बजा लिया, शाम को आधा घंटा बजा लिया। अगर इससे भी उनको ज़्यादा दिक्कत है तो वो देश छोड़ के चली जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो भैया ये मंदिर में भी लाउड स्पीकर बचेंगे और मस्जिद में भी बचेंगे। लेकिन हमारे मोहन सरकार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि ध्वनि यंत्र मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारों में सीमित उसमें बजे, साउंड में बजे, तो सारे लोग नियम से उसका पालन कर रहे हैं। आज मंदिरों के लाउड स्पीकर भी बहुत मध्य आवाज में बजते हैं और मस्जिद के लाउड स्पीकर भी धीरे धीरे बजते हैं, तो अगर इतने धीरे बजने में भी उनको आपत्ति है तो मुझे लगता है कि वो किसी विशेष समाज को से प्रेरित होकर और हिंदू समाज को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जो धर्म से लोलोपित होकर और किसी दूसरे धर्म पर प्रहार करते हैं, तो हमें मध्य प्रदेश में उस अधिकारी को नहीं रखना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करते हैं, कारण क्योंकि वो धर्म की नगरी में उनका जन्म हुआ है, वो धर्म की नगरी में ही पले बड़े हैं और धर्म की नगरी से ही वो महापौर बने, विधायक बने और मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। ये बाबा महाकाल के उनके ऊपर आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने साधु संतों की का भाव को समझा, क्योंकि जब भी उज्जैन में 12 साल में सिंहस्थ लगता है, कुंभ का मेला लगता है, तो हम लोगों को टेम्परेली बड़े बड़े टेंट और ये सब लगाने पड़ते हैं और फिर उनको उखाड़ के ले जाते हैं। आज जिनकी ज़मीनें हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश करने की बात करी है कि जिनकी ज़मीनें हैं वो वहाँ कुंभ क्षेत्र में अपना आश्रम बना के वहाँ कुंभ क्षेत्र में रह सकते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, क्योंकि इस प्रकार से कई वर्षों से साधु संत इस पीड़ा को देख रहे थे कि ज़मीन तो हमारी है लेकिन हमारे अखाड़े की भी है, लेकिन बनाने की अनुमति नहीं मिलती थी कुंभ क्षेत्र में। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, इससे बहुत अच्छा पूरे देश भर में एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि सभी संत पूरे देश भर से आते हैं और उनको कहीं ना कहीं पीड़ा होती थी कि भैया हमारे पास जमीन है, हमें टेम्परेली टेंट लगाना पड़ता है, अब जमीन है तो उसमें बहुमंजिला इमारत बनाएंगे, उसमें बहुत सारे साधु संत रहेंगे, जहाँ 10 रहते थे वहाँ 100 रहेंगे। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करते हैं।